और आज से दूरसंचार विभाग 96,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करेगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए 3 कंपनियों ने 4,350 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 96,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्से लेने के लिए आवेदन किया है। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए की EMD जमा की है। नियमों के मुताबिक नीलामी हासिल होने वाले पक्षों को 10 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। ट्राई के टेलीकॉम नियमों के मुताबिक नीलामी की अधिकतम बोली 12 गुना तक हो सकती है। नियमों के मुताबिक ये स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए आवंटित होगा। इसमें 10 साल के बाद टेलीकॉम कंपनीज के पास स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प भी रहेगा।